अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता एंड वाइट सॉस। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है ये। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शुरू ला सक दिखें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने 200 ग्राम पास्ता लिया था, इसको हमने बॉयल कर लिया है और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना पकाना है कि ये थोड़ा ज़ोर लगा के टूटे। तो ऐसे ही आपको भी बॉयल करना है। तो हमने इसको बॉयल कर लिया है, जैसे पैकेट के पीछे लिखा हुआ होता है वैसे आप बॉयल कर लें। जो चीज़ें चाहिए चिकन को फ्राई करने के लिए वो कुछ यूँ है। 200 ग्राम चिकन है, उसको हमने जूलियन कट कर लिया है इस तरीके से, और इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, जिंजर गार्लिक का पाउडर लेना है 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर लेनी है 1 टीस्पून और वाइट पेपर लेनी है 1 टीस्पून। अगर आपके पास वाइट पेपर ना हो तो आप ना लगाएं। और जो चीज़ें चाहिए वेजिटेबल फ्राई करने के लिए वो कुछ यूँ हैं। हमने कैरेट लिया था 2, उसको हमने जूलियन कट कर लिया इस तरीके से, और शिमला मिर्च ली थी हमने 1, और उसको भी हमने जूलियन कट कर लिया है। जो वाइट सॉस बनाने के लिए चीज़ें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। 2 कप हमने दूध लिया था, 3 टेबल स्पून हमारे पास है अनसॉल्टेड बटर, अगर आपके पास ना हो तो आप सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून है मैदा ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1 टीस्पून हमने ऑरिगेनो लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, आप अपनी मर्जी से काम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है। तो अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। अब हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 मिनट के लिए रखेंगे ताकि जो ऑयल है गर्म हो जाए। बस ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन और इसको हम मिक्स करते रहेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वाइट ना हो जाए। बस चिकन जो है वाइट कलर में आ चुकी है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक और पकाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारा चिकन जो है कुक हो चुकी है, 1 मिनट भी हो गया है, अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। हमने फ्राई पैन ले लिया है, अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून फिर से ऑयल डालेंगे और इसको हम हल्का सा गर्म होने देंगे। व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे कैरेट, इसको हम सॉटे कर लेते हैं। एक मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके साथ, और फिर से 1 मिनट इसको कुक करेंगे। तो व्यूअर्स, हमारी वेजिटेबल्स जो हैं फ्राई हो चुकी हैं, इसको भी हम एक बोल में निकाल लेते हैं और अब हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम डालेंगे बटर, हमने डाल दिया है बटर और इसको हम मेल्ट नहीं होने देंगे, फौरन से हम डाल देंगे इसके अंदर मैदा। तब हम डाल देंगे मैदा और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, इसको हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि जो मैदे की खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप दूध और इसको हम साथ ही चलाते रहेंगे वरना इसके अंदर गुठलियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी, और 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। व्यूअर्स, 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस और इसको हम चलाते रहेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। व्यूअर्स, हमारा सॉस जो है रेडी हो चुका है, गाढ़ा भी हो चुका है ये, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने पास्ता बॉयल करा है। व्यूअर्स, हमने पास्ते को सॉस के साथ मिक्स कर लिया है, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन जो हमने फ्राई करी थी वो हम डाल देंगे और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे पास्ते के साथ, और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर मोज़रेला चीज़ और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर फ्राई हुई भी वेजिटेबल्स और उसको भी हम मिक्स कर लेंगे।
इसमें चीज़ डाली है, तब हम एक से दो मिनट इसको और पकाएंगे ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, हमारी चीज़ जो है मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, हमारा लजीज मज़ेदार सा पास्ता इन वाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।